三部曲。大人，呀嘿，爹爹。इलेक्ट्रिक बिल का सारा पैसा तो तेरे मोबाइल बिल में चला गया, अब ये बिल कहां से भरूंगी? तूने तो नाक में दम करके रख दिया, हजार बार बोला कि सिम कार्ड बंद करवा दे, लेकिन नहीं, तेरी तो समझ में नहीं आती। पापा मैं अभी अभी गैलरी से आई हूँ और मैंने उनको बोल दिया है कि वो सिम बंद करा दे, तो वो जल्दी बंद हो जाएगी। सच बोल रही है तुम? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आप चाय लेंगे? मैं अभी लाई। आज पहली बार पापा से झूठ बोला है, लेकिन क्या करती, मुझे आकाश की हेल्प तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, मैं सिम नहीं बंद कर सकी। यार एक बात बता, हम दोनों के ऊपर शनि की 7.5 है क्या? और नहीं तो क्या, मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे आकाश ने तो ये कितने का टारगेट दिया है? अबे नाम मत है उसका, भूत है भूत, सारे कस्टमर को अपने आप पटा लेता है, खास तौर से लड़कियों को। ए अपना काम करना। तू क्या बोल रहा था? चल लिस्ट टैली कर लेते हैं। ओ शिट, मेरे तो 20 ही हुए यार। यार मेरे तो 85 हैं। हेलो सर। हेलो, क्या प्रोग्रेस है? सर मेरे तो सिर्फ 85 कस्टमर है सर। बस? और तुम्हारे? सर मेरे 20 ही कस्टमर हुए। आप लोग को 1000 टारगेट दिया गया था, आप 50 और 20 किए हो। और विजय सर पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? सॉरी सर। सर हम दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोशिश अक्सर हम रूटीन बना के कस्टमर से बात करते हैं, इसलिए कस्टमर नहीं बनते। कस्टमर से प्यार से धीरे धीरे बात करो, कस्टमर को तुम्हारी स्कीम समझ में आएगी, तब कस्टमर बनेगी, समझे? हाँ बाबा, आ रही हूँ। काजल क्या है ये? एक मिनट में कॉल करती हूँ। ये फोन का बिल वापस कैसे आया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यानी कि तूने मुझसे झूठ बोला था, इस आकाश के लिए तूने अपने बाप से झूठ बोला था। तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? अगर शिवम को पता चला कि उस आकाश के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो, तो शादी नहीं करेगा वो तुझसे, तोड़ देगा रिश्ता वो। अगर आज तूने ये सिम बंद नहीं करवाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? आकाश मैं परेशान हो गई हूँ इस बिलिंग सिम के चक्कर में। तो मेरी सिम बिलिंग तुरंत बंद करवा दो, वरना मैं सिम चेंज कर दूंगी। चिल काजल। मैं चिल नहीं करूंगी। काजल तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम मेरा प्यार भूल गई? तुम अगर ऐसे करोगी मेरा प्रमोशन नहीं होगा। प्लीज तुम्हें मेरी प्यार की कसम, प्लीज ऐसे मत करो। कमाल करते हो आकाश, एक कस्टमर कम हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा काजल, तभी तो मैं इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ। ये कंपनी नई है, एक एक कस्टमर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। काजल आज तुम्हें अचानक क्या हो गया? आकाश आज पापा मुझ पे बहुत भड़क गए थे। क्या? और तुम्हें पता है आकाश, अगर ये रिश्ता टूट गया तो क्या, पापा ये सहन नहीं कर पाएंगे। और उनकी ये कंडीशन नहीं है कि वो दूसरा रिश्ता ढूंढ सके। और शिवम हमारी फाइनेंशियली बहुत मदद करता है। टूटता है तो टूट जाए, तुम्हारा रिश्ता टूटेगा तो मेरा तो फायदा ही है। आकाश तुम ये क्या कह रहे हो? बस कह रहा हूँ मेरी जान,
मैं बिजनेस करता हूँ, सिर्फ प्रॉफिट का बिजनेस। इसका मतलब तुम मेरा बिलिंग बंद नहीं करोगे? सवाल ही नहीं बनता। मैं तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारे बॉस को कर दूंगी। उसकी तो मैं नौबत ही नहीं आने दूंगा। तुमने आकाश को क्या कच्चा खेल समझा है? इस खेल का माहिर हूं मैं। देखना चाहोगी मेरे खेल का नमूना? मुझे नहीं देखना कोई नमूना। देखना तो पड़ेगा, क्योंकि इस खेल में सिर्फ दो ही प्लेयर है, मैं और तुम। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट, तुमको पता है इसमें क्या है?